So let's start our today's topic of business studies, class 12th, chapter number 3, business environment. So today we are going to do about an important topic, which is environmental scanning. We will also do about the meaning of environmental scanning, its elements, its variables, its needs, its importance, everything. ये आपके बुक का ही पार्ट है. आप अपने बुक में देखो तो फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपके गिवन है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का. अब ऑफ कोर्स बुक में तो थोड़ा छोटा ही होता है, मैंने थोड़ा इसको आपको डीप में भी बताऊंगी, तो आप इसे कंसीडर करिएगा. सो हियर वी गो. तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, तो ये जो हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग होता है ना, ये बिल्कुल हमारे बिजनेस एनवायरमेंट जैसा ही होता है. एक बार आप मुझे शॉर्ट में बताओगे व्हाट इज बिजनेस एनवायरमेंट? Which factors? Right, you have to add external factors, otherwise your marks will be deducted. External को add जरूर करना. देखो, business environment में हमने external factors को identify किया. Environmental scanning में हम क्या करेंगे? आप मुझे बताओगे environmental scanning, हमारी जो environment होगा यहाँ पे, वो हमारा business का environment होगा. कोई हमारा वातावरण नहीं है. हियर एनवायरमेंट इज ऑफ अवर बिजनेस एनवायरमेंट. अब आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैनिंग? जनरल इंग्लिश मीनिंग ऑफ स्कैनिंग क्या होता है? स्कैन करना, समझना, एनालिसिस करना, उसके राइट रॉन्ग फाइंड आउट करना, उसके कह सकते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस फाइंड आउट करना, दैट इज इंक्लूडेड इन योर स्कैनिंग. स्कैनिंग मींस टू रिव्यू द कंडीशन, कंडीशन को रिव्यू करना, कंडीशन के बारे में सोचना, कंडीशन के बारे में पता लगाना, दैट इज कॉल्ड एज स्कैनिंग. अब बिजनेस, अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या होता है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा रिव्यू किया जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज टू डिस्कवर फैक्टर्स दैट इंपैक्ट द बिजनेस. वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरमेंट्स का पार्ट होते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं बिजनेस के, उनकी जांच करना, उनके बारे में रिव्यू लेना, वो हमारा इंक्लूडेड होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग में. एनवायर देखो फिर अब आपका होगा डिफरेंस क्या हुआ बिजनेस एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल स्कैनिंग में. काफी हद तक दोनों चीजें सेम है. मींस 75% बिजनेस एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग आर सिमिलर टू ईच अदर. बस एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है, उसमें ये डिफरेंस होता है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट को ही सिर्फ रिव्यू किया जाता है. इसमें कोई आपके प्लान्स एंड पॉलिसीज नहीं बनती, कोई आपकी कंपनी की वर्किंग इसके अकॉर्डिंग नहीं होती, सिर्फ एक बार रिव्यू कर लिया जाता है कि आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज की क्या कंडीशन है. कहने का मतलब ये है, ये सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपकी क्लास में कोई मॉनिटर बना, तो मॉनिटर का काम क्या हुआ? मॉनिटर सिर्फ ये देखता है कि आपकी क्लास के कितने बच्चे बातें कर रहे हैं, उसको पनिश वगैरह करने का काम उसका नहीं होता. तो मॉनिटर क्या करता है, ये देखता है हु आर द चिल्ड्रन, हु आर द डिफॉल्टर चिल्ड्रन हु आर टॉकिंग कंटिन्यूसली, उनके नाम बोर्ड पे लिख देता है. जब टीचर आती है तो वो देखती है कि हमें इस बच्चे को इन बच्चों का क्या करना है, वेदर उन्हें खड़ा करना है, उनसे कोई और पनिशमेंट लेनी है, वेदर दे वॉन्ट टू डू एनीथिंग विद दोज चिल्ड्रन, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द चॉइस ऑफ द टीचर. वो टीचर की चॉइस पे डिपेंड करता है. तो कहने का मतलब ये है कि सेम केस यहाँ पे एनवायरमेंटल स्कैनिंग और बिजनेस एनवायरमेंट का होता है. यहाँ पे एनवायरमेंटल स्कैनिंग हमारी होती है मॉनिटर, वो सिर्फ चीजों को स्कैन करता है और वो बिजनेस एनवायरमेंट के थ्रू कंपनी को बता देता है. अब कंपनी को उनको क्या करना है, जैसे बिजनेस एनवायरमेंट में तो डायरेक्टली प्लान्स एंड पॉलिसीज बना लेते हैं, डायरेक्टली वो अफेक्ट कर देते हैं फेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, पर ये कुछ नहीं कर सकता. इसका काम सिर्फ रिव्यू करके ये बताना है दैट व्हाट इज द करंट स्क्रैनियो ऑफ द मार्केट राइट नाउ. आपकी कंपनी में इस वक्त क्या रेट है, क्या स्क्रैनियो है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कंपनी आउटसाइड वर्ल्ड, आपकी कंपनी के बाहर क्या चल रहा है, आर यू डूइंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द
कह सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और नॉट, आप जो काम कर रहे हो वो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये भी हमारे एनवायरमेंटल स्कैनिंग में ही आता है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग हमारा हो जाता है, स्कैनिंग इज अ रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज टू डिस्कवर फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट्स बिजनेस। इसमें उन फैक्टर्स के बारे की स्कैनिंग होती है, एक बार रिव्यू ले लिया जाता है वो फैक्टर्स जो आपकी कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उन एक्सटर्नल फोर्सेस का रिव्यू लिया जाता है। क्लियर? एक बार रिपीट करना। ना डिसीजन डिसीजन कुछ नहीं लेना, सिर्फ जांच करके बता देना कंपनी को, भाई ये ट्रेंड है, ये इस वक्त चल रहा है। आगे उनका कोई हक नहीं होता, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो इनमें पर्सन होते हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग एनीथिंग। उनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो चीजों का रिव्यू ले ले, आगे क्या होना है क्या नहीं होना, क्या करना है क्या नहीं करना, उनसे ये मतलब नहीं रखते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बचा, दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द डिसीजन ऑफ द बिजनेस मिक्स। ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं तो एक्सटर्नल ही होंगे। ये इफेक्ट, ये उन फैक्टर्स के बारे में बताते हैं जो इफेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग ऑफ अ कंपनी, कंपनी के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं, नेक्स्ट इज अवर एनवायरमेंटल स्कैन्स। अब हमारे एनवायरमेंटल स्कैन्स क्या होते हैं, अभी तो हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग पढ़ा, अब एनवायरमेंटल स्कैन्स क्या होते हैं, व्हाट आर SCANS, एनवायरमेंटल स्कैन क्या होता है, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट आर स्कैन्स? आई विल टेल यू, स्कैन्स हमारी कह सकते हैं वो अथॉरिटीज होती है, और शुड इंक्लूड अ गुड हार्ड लुक एट द कॉम्पिटिशन। वो हमारे अथॉरिटीज होते हैं, वो हमारे पर्सन होते हैं जो हमारे एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, द पर्सन हु अंडरगोज एंड हु डूज प्लानिंग, हु डूज, हु कंप्लीट्स इट एंड हु डूज प्लानिंग आर नोन एज एनवायरमेंटल स्कैन। मतलब वो पर्सन जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं एनवायरमेंटल स्कैन्स कहलाते हैं। और एनवायरमेंटल स्कैन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो गुड, अच्छे लोग होने चाहिए, हार्ड लुक एट द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन को अच्छे से देखने चाहिए, मद्देनजर रखने चाहिए, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, लीगल इश्यूज एंड सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स की भी उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, और इन चीजों को भी उन्हें कंसीडर करना चाहिए। आप ये एक आंख बंद करके चीज लिख लो कि जो हमारी एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो या बिजनेस एनवायरमेंट हो, जो उसकी फोर्सेज होती है ना, फोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, वो सारी चीजों को ही कंसीडर सभी लोग करते हैं, चाहे बिजनेस एनवायरमेंट हो चाहे एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो। समझ गए? नहीं समझे, मैं बताती हूँ। देखो एनवायरमेंटल स्कैन्स हमारे वो पर्सन होते हैं, वो लोग होते हैं जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, जो रिव्यू करते हैं, वो हमारे एनवायरमेंटल स्कैन्स कहलाते हैं। इतनी बात समझ आ गई एनवायरमेंटल स्कैन्स कौन होते हैं। आप ये लोग कैसे होने चाहिए, क्या करने चाहिए, इनकी ड्यूटीज है, ये लोग अच्छे होने चाहिए, हार्ड लुक, हार्ड मतलब ये लोग कंपटीशन को मद्देनजर रखना चाहिए, इनको कंपटीशन देखनी चाहिए कि आपकी कंपनी के कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं बाहर, इनको इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी इश्यूज को, लीगल इश्यूज को कंसिडर करना चाहिए इन पर्सन को, इनको सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए अलॉन्ग साइड। मतलब ये इनकी क्वालिटीज है कि एनवायरमेंटल स्कैन्स को क्या क्या करना चाहिए, व्हाट दे शुड डू। समझ गए? अब ओके बच्चा, वैसे भी मैं तो ना हर टॉपिक का बहुत बहुत चीजें लिखवाती हूँ, इतने पॉइंट्स लिखवाते हैं, आपकी बुक में अगर चार पॉइंट दिए होंगे, चार लाइनों का दिया होगा, मैं दो दो पेज लिखवाती हूँ, इन केस ऑफ अगर आपको एग्जाम में भूल जाओ या इन केस ऑफ अगर आपको कुछ चीज ना समझ आई हो तो बेधड़की से आप वो पॉइंट छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना मैटर लिखवाती हूँ, मेरा हरी हरी एक लेक्चर आपका छह छह मार्क्स का क्वेश्चन होता है,
आप उसमें से शॉर्ट आए कुछ भी, कितने भी मार्क्स के पॉइंट छोड़ दो, डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पॉइंट्स होते हैं। आप बुक में देखोगे तो बुक में दो चार पॉइंट भी नहीं होते आपके चीज के टॉपिक के। ठीक है बच्चा? ओके बच्चा, अब अपना नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये है हमारा, व्हाट आर द माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब इसमें भी एनवायरमेंटल स्कैनिंग के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं कि जो एनवायरमेंटल स्कैन्स को करते हैं एक्सटर्नल, तो फैक्टर्स होते ही होते हैं ऑफकोर्स, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल में भी दो हो जाते हैं, माइक्रो फैक्टर्स और मैक्रो फैक्टर। माइक्रो मतलब स्मॉल फैक्टर्स, मैक्रो मतलब लार्ज फैक्टर्स। अब स्मॉल फैक्टर्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? स्मॉल फैक्टर्स में सबसे पहले हो जाते हैं सप्लायर्स, एक सप्लायर्स गुड्स के, रीसेलर्स जो गुड्स को रीसेल करते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स को लेते हैं, नहीं सेकेंड हैंड नहीं मतलब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को सप्लाई करते हैं, कस्टमर्स, हम लोग सिंपल जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है। कॉम्पिटिशंस, कॉम्पिटिटर्स लिख लेना यहाँ पे, कॉम्पिटिटर्स जो दूसरों के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, पब्लिक, ये सारे आपके माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्कैनर या माइक्रो एनवायरमेंटल के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कहलाते हैं। समझ गए? नाम याद कर लेना, इसमें और कुछ करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, अब और मैक्रो में हमारे वही आ जाते हैं जो हमारे मैक्रो फैक्टर्स होते हैं ना, इसमें हमारे वही वाले फोर्सेस आ जाते हैं, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, इसमें थोड़ी ज्यादा है, नेचुरल फोर्सेस, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और कल्चरल। अब आप मुझे एक बार ये बता सकते हो कि ये जो सारे हैं ये क्या हैं? ये माइक्रो और मैक्रो क्या है सारे? नहीं मतलब ये है क्या? बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का पार्ट है क्या? व्हाट आर दे? ये तो हमारे जो मैक्रो वाले वो तो फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट है, और ये माइक्रो और मैक्रो दोनों मिला के हमारे एनवायरमेंटल स्कैनिंग के एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है? ओके बच्चा, अब इसके बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग? पहला, अब वो ही है हमारे, मैं कह रही हूँ ना ये सारे हमारी उसके जैसे ही है, बिजनेस एनवायरमेंट की तरह ही। इसके बेनिफिट्स फिर वही हमारे स्वॉट एनालिसिस पे रिवॉल्व करेंगे। पहला, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज बिफोर कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, और अपने जो कॉम्पिटिटर्स ब्रांड होते हैं, अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे पहले अपनी अपॉर्चुनिटीज को लेना, उनका लाभ उठाना, उनका फायदा उठाना। सेकेंड, एड्रेस थ्रेट्स बिफोर दे बिकम सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, सारी उन विपदाओं को, सारी उन प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना, इससे पहले वो आपकी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम यानी बिग प्रॉब्लम बन जाए। अगर स्मॉल प्रॉब्लम पे आप कैच कर लोगे तो वो बिग प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। उन सारी चीजों को ऑलरेडी पता लगा लेना, उन सारी प्रॉब्लम्स को, थ्रेड्स को पता लगा लेना स्मॉल स्टेज पे, इससे पहले वो बिग थ्रेड ना बन जाए। देन थर्ड इज अलाइंस द कंपनीज स्ट्रेटेजी टू मीट चेंजिंग डिमांड इन मार्केट प्लेस। अलाइन द कंपनी स्ट्रेटेजी मतलब जो कंपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से बनाना कि वो जो चेंजिंग डिमांड होते हैं, मतलब जो डिमांड में चेंजिंग पैटर्न होते हैं, मार्केट में डिफरेंट डिमांड होते हैं, वो हर अपने न्यू चेंजेस को कॉप अप कर ले। मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ कि जो न्यू न्यू चेंजेस आते हैं, चेंजेस द रूल ऑफ लॉ, हर सेकेंड पे, हर मिनट पे आपके चेंजेस आते हैं, तो आपकी कंपनी को एनवायरमेंटल स्कैनिंग का ये मकसद होता है आपकी कंपनी को इतना बढ़ावा देना, इस हद तक स्ट्रांग बनाना कि वो हर आने वाली मुसीबत में, हर अपकमिंग फोर्थकमिंग प्रॉब्लम्स में, हर आने वाली विपदाओं में सॉर्ट आउट हो सके, और हर आने वाले प्रॉब्लम्स में अच्छे से इफेक्टिवली सस्टेन कर सके। क्लियर? नेक्स्ट इस स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस कैन नॉट अफोर्ड टू ओनली फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, सो दे फाइंड आउट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मेन मकसद होता है या हेल्पफुल होती है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। देखो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो तो सक्सेसफुल हो जाती है कि अपनी जो अपने प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज है उनको थोड़ा
लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर लो, मतलब छोटी छोटी भी आए चेंज आए कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो एक कंसिस्टेंसी चाहती है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक बार बार चीजों को चेंज नहीं कर सकती, या उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बार बार चीजों को चेंज कर सके। तो ये हमारी जो स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस होती है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करती है। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं करने तो आप सिंपल 4 पॉइंट्स लिख देना, दैट दे हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, दे हेल्प इन फाइंडिंग आउट द वीकनेस ऑफ द बिजनेस, दे हेल्प इन फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फॉर द बिजनेस एंड वॉर्न अगेंस्ट थ्रेट्स दैट इज रडार इफेक्ट। अगर आप ये चारों भी लिख दोगे देन ऑल्सो देर विल बी नो प्रॉब्लम। क्लियर? इसका प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इसका क्या प्रोसेस होता है, किस अकॉर्डिंगली हमारा प्रोसेस होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का। फर्स्ट प्रोसेस होता है इसमें हमारा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन। मतलब सबसे पहले काम होता है अपनी स्ट्रेटजी को बनाना कि किस तरीके से हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग कैरी फॉरवर्ड करेंगे या किस तरीके से हम एनवायरमेंट में अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकेंड होता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अगर मैंने कोई प्लान बनाया कि मैं ऐसे से पढ़ूंगी ऐसे से करूंगी, पहले मैंने प्लान बनाया, दूसरा उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट मतलब उन्हें लागू किया, लागू करने का मतलब उनको ये बता मतलब अपने वर्किंग में लाया, जैसे मैंने अगर अपना टाइम टेबल बनाया तो अगले दिन से उसको फॉलो किया। तो सेकेंड स्टेप में स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन या स्ट्रेटजी फॉलो भी आ जाता है, फॉलो अप ऑफ स्ट्रेटजी। थर्ड पॉइंट हो जाता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, मतलब उनको देखना कि जो मैंने प्लान बनाया क्या वो सक्सेसफुल है, क्या जो मैंने काम किया वो क्या सक्सेसफुल है। और फोर्थ एनवायरमेंटल स्कैनिंग शुरू करना, मतलब एनवायरमेंटल अपने बाहर की कंपनी के में रिव्यू लेना शुरू कर देना। तो चार प्रोसेस होते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग के, स्ट्रेटजी को बनाना, स्ट्रेटजी को फॉलो करना, उसको चेक करना कि जो हमने बनाया वो सही है भी या नहीं, और लास्ट में एनवायरमेंटल स्कैनिंग शुरू कर देना। और ये ही कंटिन्यू आगे 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 बढ़ता रहता है, एंड दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्लियर? अब बच्चा आप मुझे जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस के आंसर चलो बाद में दे देना, पहले हमारा अगर टाइम बचा तो दे दे के, पहले आप केस स्टडी पढ़ लो, पॉइंट के बाद रुक जाना, केस स्टडी रीड करो। कोई भी कंपनी ये आपकी रिस्क फ्री नहीं होती, अगर कोई कंपनी रिस्क नहीं लेगी तो वो बिल्कुल नहीं चल सकती। और ये बहुत अच्छे से कहा है, किसने कहा है, मैंने कहा है, ये मेरी डेवलप अपनी कह सकते हैं वो स्लोगन है, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। आप हर अपने क्वेश्चन में इसे ऐड कर सकते हो, इसे इस लाइन को ऐड करना, नो रिस्क नो गेन हाई रिस्क हाई गेन को, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। आप ये बहुत अच्छे से कहा गया है कि अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए रिस्क लेना एक इंट्रीगल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर कंपनी के लिए। आगे ये सारी रिस्क कंपनी को और मार्केट को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, ये अधिकतर हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, एक्सटर्नल मतलब हमारी बाहर की फोर्सेस होती है, और हर कंपनी को इन्हें प्रॉपरली चेकअप करना होगा जिससे वो अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। चलो फर्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर चेकिंग दीज रिस्क कॉल्ड, इन रिस्क को चेक करने को क्या कहा जाता है। वेरी गुड, बिजनेस एनवायरमेंट में चेक करने में रिव्यू करने में सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है। सेकंड, गिव यू माइक्रोस्केल्स, माइक्रोस्केल्स के नाम बता दूं, वेरी गुड, सप्लायर्स एटसेट्रा, गुड। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं। नो 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 नो, वो ही वाला स्वॉट एनालिसिस,
ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको इतने अच्छे एक मूल मंत्र बताया, हर की सेपरेट सेपरेट इंपॉर्टेंस करने से बेटर है, सिर्फ इस केस में, और किसी केस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में। अगर आप सिर्फ स्वॉट एनालिसिस भी कर लोगे देन ऑल्सो इट विल बी इनफ। नेक्स्ट डिफाइन द प्रोसेस ऑफ इट, इसका प्रोसेस बता दो जो 4 पॉइंट का प्रोसेस है। शाबाश। Why risk is an integral part of every business? हर कंपनी में रिस्क है, इंट्रीगल पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है? वेरी गुड, इसे जरूर याद रखना। यहां तक कोई डाउट? सब क्लियर है? और डेफिनेशन इसकी और ये सारे हमारे ये इसी जैसे मैंने बताया ना, ठीक उसी टाइप से आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाना और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसे पूछ लेना, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।